हूँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ लिटिल शेफ नबील। तो आज हम बनाते हैं आलू मेथी बिल्कुल ही अलग तरीके से। मेथी हम कढ़ाई में डाल चुके हैं, इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम आलू बॉईल कर लेंगे जो कि हम मेथी में डालेंगे, और हल्का सा घी डालकर आलू फ्राई कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं, मेथी भी हमारी बॉईल होने की करीब है। इसे हम थोड़ी देर के लिए होल्ड ढक देते हैं। आलू अब हमने इतने ही फ्राई करने थे, तो अब हम इसको साइड में निकाल लेते हैं। इसी बैन में अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। एक चम्मच मेथी, इससे खानों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और 1 चम्मच सफेद जीरा डाल देंगे। बहुत ही खुशबूदार तड़का हमारा तैयार होने जा रहा है। वाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल रही है। खुशबूदार तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इस साइड भी हमारी मेथी बॉईल हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपना तड़का उठाकर इस मेथी में डाल देते हैं। वाओ, मजेदार। साथ ही अब हम अपने फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे। अब हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसमें जो पानी रह गया, जब वो खुश्क हो जाएगा तो हमारी मेथी तैयार हो जाएगी। अब हम इसे 2 मिनट तक ढककर रख देंगे। मिलते हैं 2 मिनट बाद। मेथी का पानी तकरीबन अब खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने कलर और खुशबू वाली मेथी बनी है। मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है, क्या आपको भी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी मजेदार सी मेथी को डिश आउट करते हैं। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही। मैंने अपनी गार्निशिंग के लिए लेमन काट के रखा है। इसे हम खूबसूरत तरीके से इस तरह लगा देंगे। ये है हमारी मेथी की फाइनल लुक। मुझे